नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल V2 Explore में। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। इस समय दोस्तों मैं ऋषिकेश में हूँ, उत्तराखंड का एक पवित्र धार्मिक स्थल ऋषिकेश। ऋषिकेश में दोस्तों अनेकों पर्यटक स्थल हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्थल हैं, जिनमें से एक पर्यटक स्थल के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आज का हमारा पर्यटक स्थल है पटना वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत है ये फॉल, घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है ये, कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस समय दोस्तों हम पटना वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसा नज़ारा कुछ दिखाई देता है इस जगह का। सामने स्ट्रीम देख सकते हैं उस वाटरफॉल का है। ये रोड दोस्तों नीलकंठ जाता है, सामने ये दुकानें हैं छोटी छोटी, और लेफ्ट साइड में अलकनंदा रिवर बह रही है, जिसमें हमें कुछ राफ्ट्स भी दिखाई दे रही हैं। इसी वाटरफॉल का ये स्ट्रीम है जो जाके अलकनंदा में मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं और पटना वाटरफॉल के ट्रैक की तरफ चलते हैं। सामने ये दुकानें हैं, यहाँ से आप चाय वगैरह ले सकते हैं। ये है अजीत, छोटा भाई के हैं या दोस्त मेरे, अक्सर सफ़र में ये साथ में रहता है। यहाँ से स्टार्ट होता है पटना वाटरफॉल का ट्रैक, देख सकते हैं आप। सामने जो ये रास्ता जा रहा है ये नीलकंठ को जाता है, और राइट साइड में अगर हम इधर टर्न करते हैं तो ये रास्ता पटना वाटरफॉल को जाता है। इस रोड से पटना वाटरफॉल की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, और 35 से 40 मिनट आपको लग जाते हैं पटना वाटरफॉल तक जाने में। और पूरा रास्ता कच्चा है, पथरीला है, और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, जिसमें अगर आप जल्दी जल्दी चलते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप धीरे धीरे जाएं, आराम से, क्योंकि आधा घंटा लगभग लगता है, 40 मिनट के करीब, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी चलेंगे इस रास्ते पे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, इसलिए आराम आराम से जाएं, प्रकृति का आनंद लेते हुए जाएं। चारों तरफ पूरा हरियाली ही हरियाली है, और पूरे रास्ते में आपको वाटरफॉल का जो पानी नीचे आ रहा है झरने का, उसका स्ट्रीम आपको पूरे रास्ते में दिखाई देगा थोड़ी थोड़ी दूर पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, घने जंगलों के बीच से ये ट्रैक जाता है, और जब आप इस ट्रैक पे चल रहे होते हैं तो बहुत ही मन को शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें एनर्जी मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो विद इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। पूरे ट्रैक में आपको इस झरने का ऐसा पानी दिखाई देता है, जिससे मन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और आपको ये ट्रैक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, बहुत ही मज़ा आता है इस ट्रैक पर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वाटरफॉल पे पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस ट्रैक पर। इस वाटरफॉल का नाम दोस्तों पटना इसलिए है क्योंकि पटना वाटरफॉल से लगभग 2 किलोमीटर और अगर ऊपर आप जाते हैं ट्रैक करके तो एक विलेज है जिसका नाम पटना है दोस्तों, उसी गांव के नाम पर इस वाटरफॉल का नाम पटना वाटरफॉल है। यहां से दोस्तों दो रास्ते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये रास्ता पटना विलेज को जाता है, देख सकते हैं आप, और अगर आप
राइट साइड को जाते हैं तो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वाटरफॉल है, जिधर से वो यात्री आ रहे हैं आप देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पटना वाटरफॉल है। अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि इसकी जो बड़ी स्ट्रीम है वो राइट साइड में आगे की तरफ है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ ऊपर आकर भी दोस्तों छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी और आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, पानी की बोतल, मैगी भी आपको अवेलेबल है यहाँ पर देख सकते हैं आप। बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पर, तो आप अगर यहाँ पे कुछ खाना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैगी वगैरह खा सकते हैं, चाय ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। आइए आगे की ओर चलते हैं और जो मेन जो झरना है वहाँ पर चलते हैं। इधर से ये रास्ता जाता है और ये रास्ता मैं बता दूँ दोस्तों बहुत स्लिपरी है, तो आप सावधानी पूर्वक चलें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ही कम, मैं तो कहता हूँ शायद धूप आती भी नहीं होगी। तो यहाँ पर नमी के कारण दोस्तों बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, तो सावधानी पूर्वक चलें इस रास्ते पर। सामने आप देख पा रहे हैं ये पटना वाटरफॉल है, कितना खूबसूरत है दोस्तों देख सकते हैं आप। बरसात के दिनों में दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत बड़ी स्ट्रीम में बहता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा झरना हो जाता है बरसात के टाइम पे। अभी तो ये बरसात का टाइम नहीं है इसलिए जो रियल वाटर है वही आ रहा है, इसलिए बहुत कम धारा दिखाई दे रही है इसकी। अदरवाइज बरसात में बहुत चौड़ा होके बहता है, बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। आज यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक हैं दोस्तों देख सकते हैं आप, और हर पर्यटक अपने मोबाइल और कैमरे से अपनी मेमोरीज को कैप्चर करना चाहता है और इस झरने को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करके ले जाना चाहता है। जब हम दोस्तों पटना वाटरफॉल से वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ ग्रामीण मिले जो पटना विलेज से भी आगे लगभग 1.5-2 किलोमीटर और आगे एक विलेज है वहाँ के रहने वाले हैं, तो हमने उनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए। आइए मैं उन पलों को आपको दिखाता हूँ। अभी आप कितने किलोमीटर जाओगे अभी? और 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? और ये पटना गांव आधे किलोमीटर अभी तक वहां तक जाओगे आप सारा सामान लेके? भाई साहब, और ऐसी रास्ते हैं टूटा फूटा। ये भगवान, अपना नाम बताओ। पंकज है मेरा नाम। पंकज, गांव नाम? शिमलखेत गायब। यहाँ पटना से कितनी दूर पड़ेगा? यहाँ से पड़ेगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और अभी? बाप रे। और ये सामान लेके जाएंगे आप लोग? रोजगार के नाम पे जीरो। यहाँ पर लिखे बैठे हैं सब, जीरो है। मतलब ये महीने में आप एक बार जाते हैं लेने के लिए? इतना राशन? ये इससे भी ज्यादा होता है कई बार, तो इससे भी ज्यादा। ये अभी कंट्रोल वाला ला रहे हैं? कंट्रोल है, सरकारी। ऊपर है नहीं कुछ भी? ऊपर कुछ नहीं है वो बेटे, ऊपर तो लोग ही लोग हैं, जानवर है बस, बाइक कुछ नहीं है ऊपर। और अपना सामान लेने जाना होगा, राशन वासन का? तो कुछ भी लाना है यहाँ से, छोटे से बड़े चीज जितने भी चीजें हैं, कपड़े, राशन, पानी, हॉस्टल, सब नीचे ऋषिकेश। ऊपर कुछ नहीं है? ऊपर कुछ नहीं है, तो रास्ते की दिक्कत है बिल्कुल। जैसे ही कोई आदमी बीमार हो गया तो मतलब क्या करेंगे, कंधे पे बैठा के ले जाएंगे उसको। वो पालकी से जो बना के रखते हैं ना गाँव में, दिक्कत तो है ही भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब पिछले मतलब 20 साल से रोड कट रही, पर रोड अभी तक मिली नहीं। कहाँ? यहीं से? इस पे ऊपर से कट रही है रोड, नीलकंठ बाईपास यहाँ पे टच होगी, पर 20 सालों से कट रही है अभी तक वो पहुँची नहीं। सकल में दिख रही है उसकी, तो कहाँ है रोड?
लक्ष्मण झूला से दोस्तों जब हम नीलकंठ रोड पर आएंगे तो हमें सबसे पहले ये गरुण चट्टी पड़ती है, जहाँ से लेफ्ट साइड को जो ब्रिज जा रहा है ये बद्रीनाथ को जाता है, ये बोर्ड आप पॉज करके देख सकते हैं। और राइट साइड को अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता नीलकंठ को जाता है, और ये जगह जो है ये गरुण चट्टी है, जो कि लक्ष्मण झूला से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपको 15 मिनट लगते हैं। यहाँ से आपको सीधे जाना है नीलकंठ रोड पर, और पटना वाटरफॉल यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आपको 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, पैदल ट्रैकिंग, जिसमें आपको 30 से 40 मिनट लग जाते हैं पटना वाटरफॉल तक पहुँचने में। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो लोग भी घर बैठे इस पटना वाटरफॉल को देख सकें। और हाँ दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल पर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की जानकारी पूर्ण रूप से दी जाती है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।